हे गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी YT पे स्नैपी गर्ल का जो टॉपिक है वो खूब हाईलाइट हो चुका है और काफ़ी परेशान है वो। और परेशान जो उसको बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो तुमको बहुत चाहती थी, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया था, ओ मेरी मगर मुझके आंसू, जो लोग ऐसा करते थे ना उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, जो भी इस तरीके से उसको परेशान कर रहे हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कहते हैं ना, वैल्यू एक इंसान की तभी होती है जब वो अच्छे से बात करता है, जब वो दूसरों की दुख समझता है। पर यहाँ पर एक महिला ऐसी है, उसको मैं ढक्कन कहूँगी। वो महिला एक नंबर की ढक्कन ऐसी है, जहाँ उसको टॉपिक दिखता है वहीं लुढ़कती चली जाती है वो, और टॉपिक लेके आके तोड़ के मरोड़ के सबूतों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करती है ना, जो पूछो मत। होए कहते हैं ना, अपना घर तो संभला नहीं, चले हैं दूसरे के घर संभालने के लिए, खुद के घर में आग लग रही है, चले दूसरे के घर में आग बुझाने के लिए। तो कुछ इस तरीके का सीन कर रखा है YT पे। और उसकी जो ऑनलाइन भाभी है ना, वाह वाह, उसकी तो कोई बात ही अलग है। ये दोनों जो ढक्कन ढकीले हैं ना, इनकी मैं आप सभी को ये बात बताऊं, जो इनके खुद के घर में इतनी आग लग रही है, इतनी दिक्कतें हैं, उसको इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा है। पर हाँ, आपके घर में जरूर मैटर होगा ना, तो आपको जरूर इंसाफ दिलाएंगे। और आप इंसाफ नहीं लोगे ना, तो ससुरा गला पकड़ के जबरदस्ती, अरे तू इंसाफ क्यों नहीं ले रहा, तू इंसाफ ले, जबरदस्ती इंसाफ दिलाया जाता है। ये कहाँ का अत्याचार है? जिस तरीके से ऑडियंस के ऊपर अत्याचार कर रही है ये ढक्कन, तो हमें ये बता दीजिए, ऐसा कोई इंसाफ दिलाता है क्या? इंसाफ जो आदमी दिला रहा है ना, उसकी वैल्यू तो 2 रुपये तो क्या, 1 रुपया का भी वैल्यू नहीं है। अगर उसको गटर में भी उठा के फेंक देना तो भी वो सही सलामत बह जाएगा, वो रुकेगा भी नहीं, और लोग पछताएगा भी नहीं जो क्यों उसको फेंक दिया। स्नैपी गर्ल ने बोला ना, गटर से भी गए गुजरे हो, आए हाय, कितनी बेइज्जती करने के बावजूद भी अगला इंसान उसको इंसाफ दिला रहा है। जब मैंने कह दिया है जो मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, तो फिर भी बताओ इंसाफ दिलाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। पर यहाँ पर कुछ लोग जो है ना, गए गुजरे हैं, इज्जत की भी कोई परवाह नहीं होती है, बेशरम की तरह गाली सुन लेते हैं, गंदी गंदी गाली, चप्पल जूता, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप लोग को पता होगा जो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, पानी सर से क्या, पाम से ऊपर साला माथा भर गया था देख देख के, इसीलिए सोचे जो आप सभी को बता देते हैं। तो हमारी ऑडियंस जितनी भी है, कमेंट करके बता दीजिए जो आप सभी को ये वर्ड कैसा लगा। बाकी हम उसको इज्जत अब नहीं देंगे, काफी इज्जत दिया था, काफी समझाया था, ऑडियंस ने भी समझाया था, पर क्या करे, कुछ लोग की जो आदत होती है ना, वो गई गुजरी होती है, वो किसी के भी बस में नहीं है। अरे भाई, तुझे इंसाफ चाहिए क्या? ससुरा नहीं लेगा ना, तो लट्ठा से बजाएंगे ना, जो इंसाफ लेना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का सीन हो रहा है। और अब सबूत आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं। अरे भाई, तेरे पास सब सबूत है तो तू सबूत को दिखा ना, वो तो तेरी आदत है पुरानी, सबूतों के साथ खिलवाड़ करना। जब स्नैपी गर्ल कह रही है मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे शांति से जी लेने दो, तो तुम्हारे क्यों इतनी आग लग रही है? तुम अपने घर तो देखो, अपने घर में तो तुम 2-3 वीडियो डालती हो, बस हो गया। अरे तो अपने घर को इंसाफ दिला ले, थाना कोर्ट कचहरी तुझे अच्छा लगता है, पर जो घर गृहस्थी वाली औरतें होती है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। तुझे बहुत चुल मछली है जो भाई इंसाफ ले ले, भाई इंसाफ ले ले, तू ही एक एक इंसाफ दिलाने वाली YT पे महिला, और कोई है नहीं है तेरे जैसी, तो देखा ही नहीं है। सच में तू ढक्कन है और तेरे पास दिमाग नहीं है, बड़ी बूढ़ी तो हो चुकी है, पर क्या करे ना, तू अपनी उम्र की भी बेफालतू में फलूदा कर रही है YT पे बैठ के, थोड़ा उम्र का ही लिहाज कर रहे हैं। क्या कह रही है, स्नैपी गर्ल ऐसी ऐसी औरतों को ना जलन होता है। तो मैं तुझे एक बात बताऊं, स्नैपी गर्ल ना तेरे सुहाग से नहीं जल रही है, तू उसको जला रही है लिपस्टिक पाउडर लगा के। जरा तूने अपनी थोपड़ा देखी है, देखिए कि थोपड़ा बिगड़ रिंग लाइट की थोपड़ा देखी है तूने अपनी, अपना उम्र का लिहाज कर ले। नहीं कुछ बोल रहा है ना, तो तू जो है ना सबके सर पे नाच रही है, तुझे सच बताऊं तो मैं, अगर तुझे कोई समझा रहा है ना, तू उसको वीडियो बना देती, तेरे इतने चुल मच रही है जो पूछा मत, फटाक ले। एक सबर नाम की चीज होती है और एक इज्जत नाम की भी चीज होती है, जो कि तेरे पास है नहीं। और भाभी जी, आपकी बेटी को अच्छे संस्कार तो आपने दिए नहीं, आपको खुद बोलना आता है नहीं, बोलती आप हो नहीं ढंग से, जो कुछ भी बोला रहता है वो भी दूसरा किसी से सलाह लेती हो आप, तो पहले बोलना सीख लीजिए, उसके बाद भाई दूसरे के घर में आग लगाइए। तो मैं तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी आप सभी की मर्जी, और कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं।